सो हे गाइस, दिस इज प्रवीण हुसैन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम कैसे करना है ये दिखाऊंगा, वो भी यूट्यूब पर बिना 100 के सब्सक्राइबर्स या 1 के सब्सक्राइबर्स, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अभी से स्टार्ट कर चुका हूँ लाइव स्ट्रीम करना। तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे बहुत ऐसे गेमर्स है जो मतलब पहले गेम्स का मतलब रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद एडिटिंग करके वो बाद में अपलोड करते हैं। तो मैं भी पहले वैसे करता था, लेकिन अभी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो आप लोग भी अगर चाहे तो स्टार्ट कर सकते हो, जो गेमर्स लोग हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूँ, मेरे रूम में मैं एक नया अपडेट लाया हूँ, मतलब एक टेबल लेकर आया हूँ, वो प्राइवेट, क्योंकि जब ठीक है छोड़िए वो सब, अभी ये रखने के लिए मतलब मोबाइल को मैं अच्छे से रख कर वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। पहले तो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि ट्राइपॉड जो है वो तो छूट गया, और जो मैंने बॉक्स से बनाया था वो मैं यूज नहीं करता हूँ, मन नहीं। तो चलिए लाइव स्ट्रीम वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, ये थोड़ा मुश्किल है, बहुत मतलब बहुत लंबी जाएगा, मतलब बहुत काम होता है यहाँ पे। मतलब पहले आप लोग को मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास फिर से नहीं आएगा ये सब, इसलिए मैं मुँह में बोल देता हूँ। पहले आप लोगों को जब वो ये एक एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को जिस अकाउंट से आप लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, गूगल अकाउंट, उस अकाउंट से आप लोगों को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद कुछ सेटिंग्स है वो मैं दिखा दूंगा, और लॉग इन करने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन आएगा, मतलब गो टू लाइव कंट्रोल रूम, वहाँ पे जाकर ना आप लोगों को मतलब कुछ वेरीफाई करना है, वो आप लोगों को वहाँ पे मतलब बोल देगा वो लोग, वो मतलब वैसे कर लेना। तो करने के बाद ना आप लोगों को 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब यूट्यूब जैसे बोल रहे हैं आप लोगों को, तो अकॉर्डिंग टू यूट्यूब आप लोगों को 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा, और इसके बाद आप लोग लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। और लाइव स्ट्रीम पर आप लोगों को जो वगैरह वगैरह सेटिंग्स है वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। वैसे इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत आसान है। अगर गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊँ, क्योंकि गाइस मेरे को ना अभी आइडियाज चाहिए, क्योंकि आइडिया ख़त्म हो गया है मेरे अंदर, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और रोज़ तो कुछ क्या बताऊँ आप लोगों को, आइडिया आते नहीं मेरे पास। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा क्या देखेंगे आप, मतलब किस पर कौन सा मूवी या किस मूवी या सीरीज क्या देखने चाहेंगे आप लोग, कमेंट करके बता देना। और अभी के लिए मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत पक पक कर लिया मैंने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को कैमरा फाई लाइव ये वाला सर्च करना पड़ेगा एप्लीकेशन। वैसे मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं तो पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन होने के बाद ना गाइस आप लोगों को बिल्कुल ऐसे दिखने को मिलेगा, और दिखने का मतलब आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। वैसे अगर गेमिंग करेंगे तो आप लोगों को स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है, और लॉगिन आप लोगों का मर्जी किससे करना है आप लोगों को, तो मैं तो यूट्यूब सिलेक्ट करूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को मतलब वो सब गूगल अकाउंट सामने आ जाएगा आप लोगों का, और वहाँ से आप लोगों को जिससे मतलब स्ट्रीम करना है वो आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद ना आप लोगों को यहाँ पे ऊपर ये वाला दिख मतलब साइन मिलेगा। वैसे ये वाला साइन मतलब आपका जो यूट्यूब का लोगो है ना वो वाला आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो सेटिंग्स है कुछ,
और स्टैटिक्स में जाने के बाद ना आप लोग को दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे स्क्रीन मोड पर आप लोगों को फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है उस पर क्लिक करके यूजर प्रोफाइल, वरना आप लोगों को सॉरी आप लोगों को ऐसे दिखने के मिलेगा ये वाला। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, मतलब कैमरा फाई यहाँ पे जाकर आप लोग यूजर प्रोफाइल वाला पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आपका लोगो वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद ना गाइस आप लोग यहाँ पे तो वैसे और कुछ है नहीं, हाँ है, और वो सब आप लोग का मतलब चैनल टाइटल डाल देना, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो आप लोग कैटेगरी। मैं तो गेमिंग कर रहा हूँ इसलिए कैटेगरीज पर ये सब है, और टैक्स शायद सामने करते हैं। तो इसके बाद ना गाइस आप लोग आप लोगों को तो गाइस यहाँ पर जाकर गो पर सिलेक्ट कर लेना है, और ये इसके बाद ये सब मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। तो अगर आप लोग गेमिंग करेंगे तो लैंडस्केप ही रखना, वरना पोर्ट्रेट तो लेंस, और यहाँ पे रिसोल्यूशन 1080p 720 जो मर्जी आप लोगों का, और स्ट्रीम नाउ या इवेंट्स आप लोगों का मर्जी। और यहाँ पे ये वाला गेमिंग पॉइंट नोट्स ब्रॉडकास्ट, तो मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, मैं कॉड खेलूंगा इसलिए प्लेइंग कॉड, मेरा मतलब प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी, ओके। हाँ कॉल, हाँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, ओके। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद डेट जब आप लोग प्रेस करेंगे तो आप लोग का वो तो क्या बोलते हैं आप लोगों का लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्रिएट करने के बाद नो सॉरी गाइस, मैं बाकी आप लोग को दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब मैं स्ट्रीम नाउ वाला स्टार्ट कर दूंगा तो उसके बाद मेरा रिकॉर्डिंग स्क्रीन वाला रिकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। वैसे मैंने तो बहुत सामने चला गया था पोल पोल के, फिर जब एडिटिंग कर रहा था सर मतलब तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो गाइस उसका मैं स्ट्रीम नाउ करने के बाद आप लोगों को क्रिएट का वो ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट पर जाने प्रेस करने के बाद आप लोगों को गो टू लाइव रूम या कंट्रोल लाइव रूम ऐसा कुछ आएगा, उसका उस पर प्रेस करने के बाद आप लोगों को कंट्रोल रूम में लेके जाएगा, लाइव कंट्रोल रूम जो यूट्यूब की तरफ से। तो वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करने का, कुछ भी सेटिंग्स नहीं करने का, चेंज नहीं करने का। फिर अगर आप लोगों को लगता है यहाँ मतलब ये मेरे को चाहिए, ये सिस्टम ऐसा ऐसा है, तो आप लोग कर सकते हो आपकी मर्जी। तो अगर आप लोग जाएंगे और जाने के बाद फिर वापस आ जाएंगे, फिर से वो स्ट्रीम वाला ऊपर प्रेस करके मतलब जो को होगा उस पर प्रेस करना, गो मतलब स्ट्रीम नाउ क्रिएट पर प्रेस करके जो स्ट्रीम नाउ ऑप्शन आएगा ब्रॉडकास्टिंग आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, सब स्टार्ट हो जाएगा। तो गेमर्स के लिए ये एक चमत्कारी है, और जो लोग गेमर्स नहीं हो वो आप लोग तो वैसे भी पबजी खेलते हो ना, तो आप लोग भी एक गूगल अकाउंट बनाकर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस मैं आज मेरे को ये वीडियो अभी एडिट करना है, तो अभी मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ गाइस, प्लीज़ एक लाइक कर देना, और मतलब अब क्या हो जाएगा मैं रोज़ वीडियो डालने का स्टार्ट मतलब कोशिश करता हूँ ना। वैसे अभी भी मैं मेरा क्लास खत्म किया, ख़त्म करने के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बैठ जाता हूँ, और वैसे एडिटिंग में भी बहुत वक्त लगते हैं मेरे को। ये बैकग्राउंड आप लोग बोलते हो बैकग्राउंड किधर है, वैसा बैकग्राउंड मेरे पास अगर ग्रीन स्क्रीन होता तो मैं बैकग्राउंड चेंज करता, लेकिन अभी मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास अभी ग्रीन वॉल है। तो इस सब को हटाने का मतलब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सामने जो लाइट है, लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पर पड़ के आप लोग देख पा रहे हो वाइट हो जा रहा है, तो इसके वजह से मैं इसको अच्छी तरीके से हटा नहीं पाता हूँ। तो मैं
थोड़ा सा करता हूँ, फिर भी यहाँ पे ग्लिच हो जाता है जो आप लोग देखते हो कभी कभी। और मेरे कपड़े को जज नहीं करना, ये मेरा नाइट ड्रेस है। तो आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना जरूर, सब्सक्राइब अगर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो।